गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट सिस्टम्स। कुछ चीजें हैं जो हमें मेजर करनी होती हैं, तो पहले तो ये देखेंगे वो क्या आइटम्स हैं जिन्हें हमें मेजर करना है। फॉर एग्जांपल लेंथ, कोई चीज कितनी दूर है या कितनी लंबी है या कोई डिस्टेंस कितना है, ये जानने के लिए हमें एक लेंथ को मेजर करना पड़ता है। या किसी की कितनी हाइट है या कोई बिल्डिंग कितनी ऊंची है, कोई रूम कितना ऊंचा है, उसके लिए हमें लेंथ को मेजर करना पड़ता है। सेकेंड इज मास, कोई चीज कितनी भारी है वो हमें आइडिया होना चाहिए, उसके हिसाब से फिर हम ये मेजर करते हैं कि हम उसको उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते, या उसको कैसे पुश किया जाए तो उसके ऊपर हमें आइडिया लगे। नेक्स्ट इज टाइम, कोई काम कितनी देर में होगा, कितनी जल्दी होगा, कोई किसी को कितनी देर में मिलने पहुंचेगा, कोई मीटिंग कितने बजे शुरू होगी, इस सब के लिए हमें टाइम की जरूरत पड़ती है। सो इनको हम बोलते हैं बेसिक यूनिट्स। दे आर थ्री बेसिक यूनिट्स, दे आर लेंथ, मास एंड टाइम। अब इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड निकाले गए, सिस्टम निकाले गए। एक सिस्टम है CGS या सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो लेंथ की यूनिट CGS सिस्टम में आती है सेंटीमीटर, लेंथ इज इन सेंटीमीटर। अब इसके बड़ी भी यूनिट्स हैं और इससे छोटी यूनिट्स भी है। फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm या 10 मिलीमीटर। सेंटीमीटर से छोटी यूनिट मिलीमीटर होगी। देन 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। देन 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो छोटी यूनिट भी है बड़ी यूनिट भी है। कोई फॉर एग्जाम्पल बॉम्बे टू दिल्ली डिस्टेंस कितना है, दिल्ली टू कानपुर डिस्टेंस कितना है, वह हमें ऐसे मालूम पड़ेगा। या हमारे रूम की लंबाई कितनी है, तो दैट उसके लिए फिर हमें छोटी यूनिट चाहिए, 2 मीटर्स, 3 मीटर्स, 5 मीटर्स, वो आगे उसके हिसाब से आएगा लेंथ कितनी है। देन सेकेंड इज मास, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया मास कितना है, कितना अमाउंट, कितना सब्सटेंस है उसके अंदर। एंड देन थर्ड इज टाइम। तो ये CGS में ये आ गया, मास आ गया ग्राम में, और ग्राम की यूनिट क्या आ जाएगी, इससे बड़ी यूनिट आ जाएगी 1 किलोग्राम, विच इज इक्वल टू 1000 ग्राम। फॉर एग्जाम्पल हम बाजार से कुछ सामान खरीदते हैं, मे बी राइस, देन वी से 10 किलोग्राम राइस, और शुगर 10 किलोग्राम शुगर, और व्हीट 20 किलोग्राम व्हीट, इट्स लाइक दैट। देन नेक्स्ट इज टाइम। टाइम की CGS में यूनिट है सेकेंड, और टाइम से इसकी बड़ी यूनिट क्या आ जाएगी, मिनट। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, और देन आवर, 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो ये हो गया CGS सिस्टम। नेक्स्ट सिस्टम इज FPS सिस्टम। ये एक्चुअली ब्रिटिशर्स का सिस्टम है। जब ब्रिटिशर्स यहां आए थे तब उन्होंने ये सिस्टम यहां लागू किया था, और ये अभी तक ही चल रहा है। सो इसमें लेंथ की फुट है, मास की पाउंड है, ये करेंसी वाला पाउंड नहीं है, ये मास वाला ही पाउंड है, एंड देन टाइम की सेकंड्स, और फिर मीटर किलोग्राम सिस्टम MKS, मीटर किलोग्राम सिस्टम। तो इसमें लेंथ की मीटर, 1 मीटर मैंने आपको पहले बताया 100 सेंटीमीटर, देन मास के किलोग्राम, 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम इक्विवेलेंट मैंने बताया था आपको, और टाइम की सेकंड। लेकिन अब वो जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ तब से दुनिया के लोग एक जगह से दूसरी जगह ज्यादा जाने लगे, मूवमेंट ज्यादा हो गई लोगों में, और कंट्रीज में भी रैपिड ज्यादा हो गए, तो उसकी वजह से लोगों का मूवमेंट ज्यादा हो गया। तो सिस्टम कुछ ऐसा चाहिए जो कि सब जगह सेम टाइप का सिस्टम कम से कम चले, लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो उसके लिए एक सिस्टम इंटरनेशनल निकाला गया। इसके अंदर 7 बेसिक यूनिट्स हैं, लेंथ की मीटर, मास के किलोग्राम, टाइम की सेकंड्स, देन एक और यूनिट ली गई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मॉलिकुलर वेट, तो ये मोल है, और 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 × 10²³ यूनिट्स ऑफ दैट सब्सटेंस। वो सब्सटेंस जो है उसमें यूनिट जो है वो दैट कैन बी आयंस,
और दैट कैन बी मॉलिक्यूल्स और दैट कैन बी एटम्स. देन 6.022 इनटू 10 टू पावर 23 इज आल्सो कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर. फिर इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट ली गई, इलेक्ट्रिक करंट बेसिक यूनिट है, एम्पियर्स की यूनिट है. टेम्परेचर की यूनिट केल्विन ली गई और 1 केल्विन 273 केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 32 डिग्री फारेनहाइट. देन लुमिनस इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस की कैंडेला, इसको सीडी लिखते हैं, और इसकी इट इज इक्वल टू 1 लुमेन पर स्क्वायर मीटर, यानी कि 1 मीटर इंटू 1 मीटर की कोई जगह हो तो उसके ऊपर 1 लुमेन अगर लाइट पड़ रही है दैट विल कॉल्ड 1 कैंडेला. अब इसमें एक बात और ध्यान रखिए, बेसिक यूनिट से, बेसिक यूनिट से ही कुछ डिराइव यूनिट्स आती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू लेंथ और डिस्टेंस अपॉन टाइम, इट्स कॉल्ड डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस इज इन लेंथ सो इट विल बी सेंटीमीटर पर सेकेंड. एक्सेलरेशन हो जाएगा वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फोर्स हो जाएगी मास इंटू एक्सेलरेशन. इस तरह से कुछ डिराइव यूनिट्स आएंगे. एक चीज जो और है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि हमारे देश में ये चारों यूनिट्स चलती हैं और कुछ पर्टिकुलर जगहों पर अलग अलग यूनिट चलती है. फॉर एग्जांपल अगर कोई न्यू बॉर्न बेबी है तो उसका वेट बोला जाता है पाउंड्स में, जबकि सिस्टम सारे चलते हैं दूसरे. उसमें अगर आप कहीं बाजार में सामान लेने जाएंगे तो आप बोलेंगे भाई 10 किलोग्राम राइस दे दो, वहां पाउंड की बात नहीं होगी. लेकिन न्यू बॉर्न बेबी का डॉक्टर्स जो उसका वेट बताते हैं पाउंड में बताते हैं. तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है. कोई कई कई जगहों पर केल्विन वगैरह यूज होता है जब हम लोग एयर कंडीशनिंग सिस्टम की बात करते हैं, तो वहां केल्विन या और टेम्परेचर स्केल्स भी यूज होते हैं, उसकी हमें जरूरत पड़ती है. कुछ जगहों पर हमारे देश में कम से कम खासकर ये चारों यूनिट्स चलती हैं और बच्चों को ये चारों यूनिट्स पढ़ाई जाती हैं. सो सबको इन चारों यूनिट्स में कंफर्टेबल होना चाहिए. आई होप कि आपको ये आज की वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करिएगा और बेल आइकन प्रेस करके करेंगे तो आपको मेरी और भी वीडियोस आती रहती है, तो वो भी आप सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब कीजिए तो मेरी जो और वीडियोज आती रहती हैं वो फिर आप उनको भी देख पाएंगे. थैंक यू.